वहीं कर्नाटक के मंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और इस दौरान न्यूज वन इंडिया के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, आपको सुनवाते हैं। अमित शाह का कर्नाटक में रोड शो शुरू हो चुका है, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्नाटक का मैंगलोर इलाका है वहाँ पर अमित शाह का रोड शो शुरू है। कर्नाटक की सड़कों पर लगातार जो लोग हैं वो अमित शाह का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये महारत हासिल है। जैसा कि मैंने आपको पहले की रिपोर्ट में बताया कि वो रोड शो, चुनावी रैलियाँ और जो जनसभाएँ होती हैं उसमें खड़े होकर वो कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने का वो काम करते हैं। सर, आपको महारत हासिल है, जनता की नब्ज पढ़कर आप बता लेते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के लिए कल अपशब्द बोले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, आपको लगता है कि गांधी परिवार की सहमति के बिना इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब जब कांग्रेस ने नेताओं ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी और मजबूती के साथ चुनकर आई है और मोदी जी के समर्थन में जनता और मजबूती के साथ खड़ी है। कीचड़ में जितने कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। आज सर प्रधानमंत्री जी ने मैं कहा है कि कांग्रेस ने अब तक 91 बार गाली दी है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस ने अब तक उनको 91 बार गाली दी है। जी, यही कहता हूँ, जितनी बार गाली देंगे उतनी बार हम मजबूत बनकर बाहर। चलिए, जो अमित शाह हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो कर्नाटक का चुनाव है उसमें वो निश्चित चुनाव जीतेंगे और जहाँ तक राहुल गांधी की फ्री की योजनाओं की बात है तो कई प्रदेशों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर वो लोग फ्री योजनाएं लॉन्च कर चुके हैं लेकिन राहुल गांधी को अभी तक किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली है। तो आप देख सकते हैं कि अमित शाह जी का जो रोड शो है लगातार जारी है और जो अमित शाह ने दावा किया है वो देखना होगा कि चुनावों के बाद जब वोटों की गिनती होगी किस तरीके से उनके जो बयान हैं वो सही साबित होंगे। कर्नाटक के मंगलुरु से कैमरामैन अतुल त्यागी के साथ अनुराग चड्ढा, न्यूज़ वन इंडिया।